सो गाइस फाइनली एनएस 160 शोरूम पे आ चुके हैं। 2023 एनएस 160 ड्यूएल चैनल एबीएस मॉडल शोरूम पे आ चुकी है। इसमें आपको क्रीमिका का एबीएस मिल जाएगा, क्योंकि देखिए एन 160 एन 250 जैसा एनएस 160 में भी क्रीमिका का एबीएस ब्रांड इस्तेमाल किया गया है। बजाज ने न्यू अपडेट किया है इसमें ड्यूएल चैनल एबीएस। पूरा व्यू एक बार चेक कर लो, पीछे से कुछ ऐसा लुक आपको मिल जाएगा। नंबर लाइटिंग इधर दिया गया है, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है। देखिए इसका टायर अगर कुछ ऐसा यूनिक डिज़ाइन पे है दोस्तों, कीचड़ उछल के आपके पैरों पे और पिलियन के पैरों पे नहीं आएगा बारिश के टाइम। बाकी सारी गार्ड आपको मिल जाएगा एंड फुट रेस्ट एक बार चेक कर लो, ऐसा कुछ सॉलिड फ्रेम पे इस्तेमाल किया है इसको। फ्यूल इंजेक्शन का ब्रांडिंग मिल जाएगा। देखिए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एसओ एचसी 4 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ बाइक आती है, सेम पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ। डीटीएसआई इंजन इस पे, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, क्रैश गार्ड कुछ ऐसा छोटा सा फ्रेम पे दिया जाता है। ऑयल कूल कूलिंग सिस्टम का ब्रांडिंग इधर चेक कर लो। 160 कुछ ऐसा सिल्वर स्टिकर कॉम्बिनेशन पे लिखा जाता है, पल्सर 3D पे है, कुछ क्रोम टाइप 3D स्टिकर पे। बाकी मीटर कंसोल पे तो बहुत सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, डीटी, आईफी जैसा न्यू फीचर्स ऐड किया गया है। गियर इंडिकेशन के साथ जो नहीं आती थी पहले, गियर इंडिकेशन न्यू ऐड हुआ इसमें। हैंडल बार प्रीटी मच कंफर्टेबल, क्लिप ऑन होने के बावजूद भी दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कंफर्टेबल हैंडल बार है, आप इसको लेकर लॉन्ग टूर वगैरह कर पाओगे। सिटी में बहुत ही अच्छा शार्प हैंडलिंग आपको मिल जाएगा एनएस पे। पल्सर 220F एंड एनएस दोनों ही इंडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है दोस्तों, एक लेजेंड बाइक है एनएस एंड पल्सर 220F। पल्सर 220F को कब अपग्रेड करेगा मुझे पता नहीं, तो अपग्रेड अगर कर देती बजाज तो और भी बेटर होता। टैंक प्रोफाइल, टैंक मेजरमेंटर सेम, इसमें कुछ बदलाव नहीं, खाली कलर पूरा चेंज हुआ है, मेटालिक ब्लैक एंड नीचे मेरून, दोनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ टैंक पूरा प्रोफाइल किया गया है। पल्सर 3D पे लिखा जाता है, हैंडल बार प्रीटी मच कंफर्टेबल, सेल्फ इधर है, इंडिकेटर, हॉर्न, हाई बीम लो बीम, पासिंग स्विच इधर चेक करो, पासिंग स्विच एंड इसका हाई बीम लो बीम, नीचे इंडिकेटर देन हॉर्न, बाकी इधर इसका इंजन कट ऑफ स्विच एंड सेल्फ, सेम वाला फीचर्स ये। बट स्विच का क्वालिटी आई थिंक मेरे ख्याल से प्रीमियम सा लगता है यार, तो ज़बरदस्त क्वालिटी की स्विच प्रोफाइल इसमें इस्तेमाल किया है बजाज ने। ड्यूएल चैनल ABS में राइडिंग के थ्रू जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे उतना ही अल्टरनेटिव पावर फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग पे आपको मिल जाएगा, तो आप ये फील करोगे कब, जब इसको आप चलाओगे, नहीं चलाओगे तो कुछ भी आइडिया नहीं होगा दोस्तों। तो जब टेस्ट राइड अवेलेबल हो जाती है तब एक बार भी इसको चला के देखो कितना ब्रेकिंग एबिलिटी आपको मिलता है, देन आप इसको ऑब्वियसली परचेस करोगे ही करोगे। सामने टायर प्रोफाइल कुछ ऐसा 180 सेक्शन का है, 17 इंच ऑफ एलॉय व्हील्स, 300mm डिस्क सामने है, और पीछे आई थिंक मुझे पता नहीं है दोस्तों कितना मेजरमेंट है इसका, इसमें भी ड्यूएल चैनल ABS अपग्रेड हुआ है, बस इतना ही मुझे मालूम है, अभी तक कुछ भी डिटेल्स आया नहीं। 130x70 सेक्शन का पीछे टायर प्रोफाइल है, टायर अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन पे है, नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है, इंजन पावर परफॉर्मेंस सेम रखा गया है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। किक स्टार्ट के साथ बाइक आती है तो सेल्फ और किक दोनों ही आपको मिल जाएगा, तो बेनिफिट आपको इस साइड से मिल जाएगा। बाकी अगर आप अपने स्टेट पे प्राइसिंग जानना चाहते हो तो अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बोल दूंगा। देखिए दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना यार, एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा यार, बारिश में भीगते भीगते मैं आ गया शोरूम पे, जब भी मैंने सुना कि बाइक शोरूम पे आ चुकी है।